हाय गाइस, वेलकम टू सीजलिंग टी। तो आज मैं बात करूंगी वड़ा पाव गर्ल की। आपने देखा होगा, नाम बहुत सुना होगा, इंस्टा पे उसकी रील्स देखी होगी। हर दूसरे तीसरे दिन वड़ा पाव गर्ल की कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है। तो उसके बारे में बताती हूँ, वो है कौन और असली में वो इतनी फेमस हुई कैसे। तो उसका नाम है चंद्रिका दीक्षित और उसका एक बेटा है 5-7 साल का, उसका नाम है रुद्र दीक्षित और हस्बैंड का नाम है यश दीक्षित। वो इंदौर की रहने वाली है और बहुत जल्दी ही एज में उसके पेरेंट्स चले गए थे, शादी हुई और दिल्ली में आके रहने लगे ये लोग कुछ सालों से। तो उसके अकॉर्डिंग वो दोनों जॉब करते थे, हस्बैंड वाइफ, और बच्चा छोटा था और उसको डेंगू हो गया और उसको क्रच में डालते हैं जैसे, तो वहाँ बीमार रहने लगा। तो इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अभी जॉब छोड़ना पड़ेगा, हम कुछ और करेंगे। ये इनकी इसकी कहानी है, मतलब अपने मुँह से। तो फिर इसने एक स्टॉल लगाया जहाँ पे राजमा चावल और ये सब बेचते थी, कहाँ पे, दिल्ली में पीतमपुरा के आसपास, सैनिक विहार के आसपास। तो ये बेचने लगे, लोगों को खाना ऐसे रेडीमेड मिलता था, बना बनाया मिलता था घर का टेस्ट से, तो लोग आने लगे। अब देखिए होता क्या है ना, इस टाइप के जो ठेले लगते हैं दिल्ली साइड पे, वो मोस्टली लगाते हैं आदमी लोग, और या फिर कुछ औरतें लगाती हैं, मिडिल एज औरतें। अब लेकिन ये लड़की है यंग और दिखती है काफ़ी सुंदर, गोरी चिटी है, सुंदर लड़की है, पतली सी लड़की है और थोड़ी सी बातें भी फ्लर्टी सी करती है, तो लोग आने लगे इसके पास। ऑब्वियसली आदमी लोग आएंगे इस टाइप से मजे मारने, मस्ती करने, थोड़ा शक्ल देखने। और फिर धीरे धीरे इसने सोचा कि चलो मैं बड़ा पाव बेचूंगी। तो बड़ा पाव बेचने लगी है, और बड़ा पाव जब बेचने लगी तो ऑब्वियसली लोग फिर आने लगे और खाना भी टेस्टी ही होगा इसका। तो जो फूड ब्लॉगर होते हैं ना, जो आजकल बड़ा चल रहा है फूड ब्लॉगर्स, वो करते क्या है, यंगस्टर्स होते हैं मोस्टली वो लोग, और सबको होता है फेमस, वो इंस्टाग्राम की रील बनाएंगे और इंस्टाग्राम पे डालेंगे अपने ताकि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े। तो वो करते क्या है, बाइक से जो भी ये ठेले वाले लोग होते हैं या छोटी छोटी दुकानें होती हैं, खोखे टाइप बोलते हैं जैसे, वहाँ पे पहुँच जाते हैं और आज जी हाँ जी क्या बना रहे हो जी, कैसा खाना है, क्या क्या डाला है और खाना कैसा है और बहुत टेस्टी है, ये वो करके अपना रिव्यू देते हैं, प्रोसेस दिखाते हैं कैसे बना रहे हैं। जब उन्हें लगा कि एक लड़की, सुंदर लड़की, एक वड़ा पाव बना रही है जो एजुकेटेड भी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही गांव की गवार है, वो एजुकेटेड लड़की है और अच्छे तरीके से बना रही है, और कुछ तो जैसे होता है ना कि इस टाइप की बातें करना कि लाइन में खड़े हो जाए सबको मिलेगा, इस टाइप के डबल मीनिंग जोक्स मारना, वो सब भी करती थी। तो उसके पास भीड़ बढ़ने लगी। अब जब लोगों को, जो लोकल्स हैं, वो देखेंगे कि अच्छा एक लड़की है आसपास जो लिटरली 10-15 मिनट के डिस्टेंस पे है, कोई बड़ा पाव बेचती है, बहुत सुंदर है, अट्रैक्टिव है, मस्ती वाली बातें करती है, तो सोचेंगे चलो हम भी जाके आते हैं। तो धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी उस पर। अब जब भीड़ बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्राइजेस बढ़ जाएंगे, लड़कों की भीड़ लग गई, आदमियों की भीड़ लग गई, लोग आधा आधा घंटा खड़ा होकर उसके पास बड़ा पाव ले रहे हैं। ये होती है पावर ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे इस टाइप की रील, और फिर जो जो जा रहा है उसके पास वो अपनी रील बना के डाल रहा है। और कुछ सालों पहले ऐसे एक बाबा वाला भी हुआ था फेमस, अगर आपको पता हो तो, जहाँ पे एक बाबा जी रो रहे थे कि मेरी दुकान नहीं चलती है, और लोगों ने रील बना के डाल दी उसकी, और फिर इतनी भीड़ लगने लगी कि बाबा खुद ही परेशान हो गया। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस वड़ा पाव गर्ल, तो इसका नाम है चंद्रिका दीक्षित। तो ये चंद्रिका दीक्षित, अब इसने अपनी खूबसूरती का फायदा उठाया, जो कहीं पे मतलब गलत भी नहीं है, अगर वो सही काम कर रही है तो सही तरीके से कर रही है, तो अगर लोग आ रहे हैं तो ठीक है। उसने जो 15-20 रुपए का वड़ा पाव होता है, 25 रुपए का मैक्सिमम या 30 मान लो, उसको 50 रुपए भी बेच रही है। लोग खाने के बाद बोल रहे हैं कि अरे इतना भी कुछ अच्छा नहीं है, 50 रुपए का वड़ा पाव, आधा घंटा लाइन में लग रहे हैं, ठंडा भी हो जाता है जब तक मिलता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। बट लोगों को होता है ना, इतनी फेमस हो गई तो चलो एक बार जाके तो देखते हैं, और नहीं तो कुछ नहीं तो शक्ल ही दिखाते हैं उस बंदी की है कैसी। तो देखो यहाँ पे जब मैं फोटो लगा रही हूँ, लड़की सुंदर है, प्यारी सी है। अब वहाँ पे क्या हो गया है कि वहाँ पे इतनी भीड़ होने लगी है कि जो आसपास के जो रेजिडेंस में, मतलब रेजिडेंशियल कॉलोनी है, वो वहाँ पे भीड़ लगने लगी है कि कारें आ रही हैं, बाइक्स आ रही हैं, स्कूटर आ रहे हैं, यंगस्टर्स आ रहे हैं, तो वो डिस्टर्ब हो रहे हैं पब्लिक। अब भीड़ मतलब सुबह से लेकर शाम तक या शाम से लेकर रात तक लगी रहेगी, तो पब्लिक तो डिस्टर्ब होगी होगी। और ऊपर से एक और चीज़ होती है कि जो आसपास की लारियां हैं, आसपास के ठेले हैं, वहाँ भीड़ कम हो रही है, अब उसको स्पेस चाहिए। तो वो क्या कह रही है, उसका अपने हस्बैंड को बोला कि, अभी जो रीसेंट न्यूज़ है, उसने अपने हस्बैंड को बोला कि पुलिस में कंप्लेंट कर दो कि आसपास की लारियां हट जाए।
अब आसपास की गाड़ियाँ हट जाएंगी तो उसको और स्पेस मिल जाएगा, उसकी ऑडियंस को, उसके जो कस्टमर्स हैं उनको और स्पेस मिल जाएगा खड़े होने का, खाने का, अपनी बाइक्स पार्क करने का, अपने स्कूटर पार्क करने का। तो चाहिए वो मेरा राज हो जाए, विच इज़ रॉन्ग, बिकॉज उसका भी उतना ही हक है जितना बाकी लोगों का हक है। आसपास के लोग बोल रहे हैं कि भैया तुम अब इतना पैसा कमा रहे हो, आप सोचो जो घंटों तक जिसका वड़ा पाव बिक रहा है 50 रुपये का एक, वो महीने की लाखों रुपये कमा रहा है। वो कहते हैं तुम दुकान क्यों नहीं खोल लेते। लड़की कहती मैं क्यों खोलूं दुकान, मैं तो इसमें कमा रही हूँ। ऑब्वियसली दुकान खोलेगी, दुकान का किराया देना पड़ेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा और MCD वालों को भी देना पड़ेगा, तो वो क्यों खोले जब उसका सस्ते में काम चल रहा है, जब उसकी इन्वेस्टमेंट कम है और रिटर्न ज़्यादा है। वो क्यों वो सपोज मानो कि 1 लाख रुपये लगा के 20 लाख कमाए, जब वो 10,000 लगा के 20 लाख कमा सकती है, तो समझे। तो वो नहीं खोलना चाह रही दुकान, और ऑब्वियसली उस एरिया में वो थोड़ी पॉपुलर हो गई तो सोच रही होगी कि मैं कहीं और जाऊंगी, हो सकता है मेरा कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाए, मैं नहीं कमा पाऊँ, तो वो नहीं खोल रही। तो अब वो भंडारे भी करने लगी है। तो भंडारे में क्या होता है कि लोग भंडारा के पास स्टॉल लगाते हैं, और भीड़ आएगी, फिर वो बांटेंगे, अब पब्लिक को और परेशानी है उस एरिया में, तो वो हंगामा मचाते हैं कि ये क्या हो रहा है। अब देखा जाए तो अगर ये बंदी बोलती थी कि मैं जॉब करती थी, मेरा हस्बैंड जॉब करता था, और आई मीन बाय लुकिंग एट हर वी कैन फिगर आउट दैट शी इज एन एजुकेटेड पर्सन, शी इज नॉट लाइक अ लेबरर, सो शी कैन इजिली अर्न मनी बाय डिफरेंट वेज, बट नाउ शी इज गेटिंग ईजी मनी, ईजी मनी इन द सेंस आई वोंट से दैट शी इज गेटिंग ईजी मनी बाय नॉट डूइंग एनी एफर्ट, बट दिस इज वेरी लो एफर्ट जब रिटर्न इतना ज़्यादा आ रहा है स्पेशली। तो न वो दुकान खोलने के लिए तैयार है, न वो वहाँ से हटने के लिए तैयार है, और ऊपर से वो बहुत गाली गलौज और दादागिरी भी करने लगी है। अभी जो रीसेंट वीडियोस आते हैं उसके, उसमें मोस्टली वो लड़ाई झगड़े कर रही होती है, पुलिस से लड़ाई झगड़े कर रही है। एक ये आंटी पीछे पड़ गई थी उनकी कि यहाँ पे नहीं रहेगी तो हट जाओ यहाँ से, तो उनसे बुरी तरीके से लड़ाई झगड़ा कर रही है। फिर वो अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करती है, ओ इसने मुझे टच कर दिया, इसे मेरी चुन्नी खींच ली, इसे मेरा ये कर दिया और वो कर दिया। शी इज बेसिकली प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड, प्लेइंग अ वुमन कार्ड, विच इज एक्सट्रीमली रॉन्ग। अगर आपके साथ कोई गलत नहीं कर रहा है तो आप ये ड्रामा करना बंद करिए, क्योंकि ऐसे में जिन लड़कियों के साथ कोई बदतमीजी भी कर रहा है, अगर वो आवाज़ उठाएंगी तो उनका भी गलत ही लगेगा, ऐसा लगेगा कि वो भी ड्रामा कर रहे हैं। तो ये जो होते हैं ना, दीज पीपल आर कॉल्ड सोशल मीडिया स्टार्स, क्योंकि सोशल मीडिया इन्हें स्टार्स बना देती है। अदरवाइज हु इज शी, नोबडी नोज हर, आई मीन शी माइट बी सेलिंग सम वड़ा पाव, सम फूड ऑन हर लारी, ऑन हर ठेला, बट शी वॉज नॉट पॉपुलर बिकॉज शी डिड नॉट हैव एनी अदर टैलेंट एनी अदर स्किल। अब पब्लिक ने जो फूड ब्लॉगर्स हैं सोशल मीडिया पे डाल डाल के रील्स, उसको इतना पॉपुलर बना दिया है। और ये सोशल मीडिया फेम होती है ना बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है, क्योंकि अभी तो उसको सोशल मीडिया पे रील्स वायरल हो रही है तो इसे लगेगा ओ मेरी पॉपुलैरिटी हमेशा रहेगी, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। सोशल मीडिया की फेम 2-3 साल वाली होती है मैक्सिमम बता रही हूँ। उसके बाद जब ये नॉर्मल हो जाएगी तब नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट करेंगे लोग इसे। तो जो इस तरीके से लोग अपना जो होता है ना आपा खो देते हैं कि हम बहुत फेमस हो गए, नाउ आई कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग इज इन माय कंट्रोल, आई कैन कंट्रोल पीपल, आई कैन कंट्रोल लॉ, दैट इज बैड। तो इसको लड़की को समझना चाहिए कि शी इज गेटिंग पॉपुलर, धरती पे टिक के चले और अपना नाम ना खराब करे, क्योंकि अगर नाम खराब होगा ना, जिस तरीके से पब्लिक ने इसे चढ़ाया है उसी तरीके से नीचे भी ले आएगी, 2 मिनट लगेंगे। तो अभी रिसेंट न्यूज़ आई थी जो मैंने, जिसने ये बनाया है कि उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया बिकॉज शी वॉन्टेड टू होल्ड सम भंडारा वहाँ पे और कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया है। तो मैंने जो वीडियो देखा उसका, कि मैंने उसके पूरे में जानकारी की, तो बेसिकली पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया है, पुलिस बुलाई थी इसके हस्बैंड ने और वहाँ से लारियाँ हटवा रहे थे कि भंडारा होने वाला है तो यहाँ पे स्पेस चाहिए। तो बहुत सारे जो लोकल हैं उन्होंने उन गरीब आदमियों की लारियां बचाई, क्योंकि भाई गरीब आदमी अपना सामान बेच के पैसा कमा रहा थोड़ा बहुत। और एक ये लड़की है जो जबरदस्ती की भीड़ इकट्ठी कर रखी है जिसने सोशल मीडिया की पावर की वजह से, और वो उन लोगों को नहीं टिकने देना चाह रही है। तो पब्लिक ने उनकी लारियां बचवाई हैं एंड पुलिस इज नाउ वर्किंग ऑन दैट एरिया कि वहाँ पे भीड़ अननेसेसरी ना लगे, वो पुलिस थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और देखिए जितनी ये ना सोशल मीडिया की फेम, अब पब्लिक जा रही है जस्ट बिकॉज शी इज पॉपुलर, लेकिन जो एक बार चला गया है वो दोबारा नहीं जाएगा वहाँ वड़ा पाव खाने के लिए, उसके साथ सेल्फी लेने के लिए, जस्ट टू बिकम जस्ट टू लुक कूल, नोबडी विल गो देयर अगेन। तो धीरे धीरे इवेंचुअली तो नीचे आती जाएगी।
क्योंकि जो बड़ा पाव खाने जा रहा है वो दिल्ली के लोकल लोग ही जा रहे हैं, वो कोई बॉम्बे से कलकत्ता से ड्राइव करके या फ्लाई करके नहीं आ रहे हैं या ट्रेन पकड़ के नहीं आ रहे हैं कि हमें बड़ा पाव गर्ल को देखना है, वो लोकल ही आए हैं। या बाय चांस थोड़ा बहुत अगर कोई दिल्ली में घूम रहा होगा तो कहीं और स्टेट से, जस्ट बिकॉज शी इज पॉपुलर पता कर लेगा कि कहाँ पे है, चलो मैं भी घूम घाम के आता था एक बार देख आता हूँ। और ऑब्वियसली वो लड़की सुंदर दिखती है, अच्छी बातें करती थी पहले शी यूज्ड टू टॉक डिसेंटली, ये मैंने देखा है, ये मैंने सुना है। और अभी उसमें इतना एटीट्यूड आ गया कि वो लिटरली बदतमीज हो गई है। अब वो बदतमीजी जब करेगी पब्लिक से तो पब्लिक क्यों बर्दाश्त करेगी, पब्लिक पैसा दे रही है कुछ खाने खाने के लिए तो पब्लिक उसकी बदतमीजी नहीं बर्दाश्त करेगी। पब्लिक इज नॉट गोइंग टू स्टैंड इन द लाइन फॉर हाफ एन आवर इन दिस हीट जस्ट टू गेट वन सेल्फी विद हर और विद हर स्टॉल और जस्ट टू ईट वन बड़ा पाव। नो, ऐसा नहीं होगा, ये इतनी जल्दी इसका नीचे आ जाएगी देखना। और जैसा मैंने कहा कि ये इतनी भी गरीब नहीं है जितनी ये शो करती है कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए सब कर रही हूँ। अगर इसके इंस्टा की रील्स देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि एलवी के बैग, मार्क जैकब के बैग लेके घूमती है। और अभी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, ये अच्छी अच्छी कारों में घूम रही है। अभी इसने रिसेंट वो डाली है अपनी रील जिसमें वो फ्लाइट से बॉम्बे जा रही है। अब बताइए कौन सी गरीब लड़की या कौन सा ठेले वाला इंसान फ्लाइट्स पकड़ के जाता है। और इसको अच्छी खासी फैशन सेंस भी है, ये काफ़ी मतलब इंस्टा रील्स बनाती है। तो जो इस तरीके के फ्रॉड्स होते हैं ना, जो दिखाते कुछ और है होते कुछ और है, उनसे हमें बचना चाहिए। और ऐसे लोगों को अननेसेसरी फेम देने की कोई ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए गाइस, इतना ही कहना था मुझे। आप बताइए कैसा लगा ये कंटेंट। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे।